स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी, आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं रेडॉन गैस। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और यह है टॉपिक आपका रेडॉन गैस का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है। तो इसमें हम आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की। तो देखिए, आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है रेडॉन गैस। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें रेडॉन गैस के खोजकर्ता, यानी कि इस गैस की खोज किसने की थी। इस गैस की खोज की थी फ्रेडरिक डार्ने, यानी कि एक महान वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक डार्ने के द्वारा की गई थी। और दूसरा पॉइंट है, रेडॉन गैस का रासायनिक चिन्ह क्या होता है। इसका रासायनिक चिन्ह है RN, और ये आपका रासायनिक चिन्ह केमिस्ट्री में होता है। इसके बाद है आपका पॉइंट परमाणु संख्या, यानी कि रेडॉन गैस की परमाणु संख्या कितनी है, 86, 86। और ये भी आपका केमिस्ट्री में होता है कि परमाणु संख्या कितनी है इसकी, रेडॉन गैस की, 86। और इसके बाद पॉइंट आपका, एक रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी कि ये गैस कैसी है, एक रेडियो सक्रिय तत्व में शामिल किया जाता है रेडॉन गैस को। और आपको बता दें हम, यह गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यह गैस आपकी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती है। और यह गैस सर्वाधिक जब निकलती है, जब दो प्लेटें धरती की आके मिलती हैं। इसे सामान्य भाषा में हम अभिसारी के नाम से जानते हैं, यानी कि जब दो प्लेटें, जिसे कहते हैं टेक्टोनिक घटना होती है, जब प्लेटें विपरीत दिशा से आती हैं, तो उनके टकराने से रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे ये गैस निकलती है। तो ध्यान रखना, आप ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि रेडॉन गैस कहाँ से निकलती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट आपका, ये रेडॉन गैस रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। यानी कि रेडॉन गैस कैसी गैस है, रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। आगे हम इसको समझेंगे इसी वीडियो में आगे, कि अक्रिय गैस किससे कहते हैं। और इसके बाद आपका पॉइंट है, रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। इसके बाद पॉइंट आपका, रेडॉन गैस, यानी कि रेडॉन गैस से फेफड़ों का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति रेडॉन गैस के संपर्क में आता है, तो उसको कौन सी बीमारी लग जाती है, फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग। तो ध्यान रखना, आप ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। रेडॉन गैस रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। और इसके बाद है, रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। इसके बाद पॉइंट है, रेडॉन गैस से फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। यानी कि ये गैस बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक गैस मानी जाती है। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए, आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, भूकंप आने से पूर्व ही धरातल से वायुमंडल में रेडॉन गैस निकलती है।
यानी कि भूकंप आने से पूर्व ही धरातल से रेडोन गैस निकलनी शुरू हो जाती है, उसके कुछ सेकंड बाद ही भूकंप आता है। और आपको बताएं 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, तो भूकंप आने से पूर्व ही रेडोन गैस निकल रही थी, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की थी। इसके बाद पॉइंट है आपका, रेडोन गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में होता है। रेडोन गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में होता है। इसके बाद पॉइंट है आपका, रेडॉन का उपयोग ट्यूमर के इलाज के लिए भी किया जाता है, यानी कि रेडॉन का उपयोग जो है ट्यूमर के इलाज के लिए भी किया जाता है। सभी पॉइंट आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट हैं, तो ध्यान रखना आप, ये भूकंप आने से पूर्व ही धरातल से वायुमंडल में रेडॉन गैस निकलने लगती है, और रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में यानी कि कैंसर के इलाज में होता है। इसके बाद है, रेडोन का उपयोग ट्यूमर के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो ये सभी आपके पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट हैं, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ चुका है कि भूकंप आने से पूर्व धरातल के अंदर से वायुमंडल में कौन सी गैस निकलना प्रारंभ कर देती है। तो उस ऑप्शन में आपका रेडॉन गैस ऑप्शन में होता है। तो ये सभी आप ध्यान रखना, और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है अक्रिय गैस। जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में कि अक्रिय गैस का डिस्कशन करेंगे आगे हम, तो देखिए आपके सामने पॉइंट है, इसमें अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त हैं। यानी कि अक्रिय गैस में उन गैसों को यानी कि अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त हैं। तो ध्यान रखना आप, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट है, इसलिए रेडॉन गैस कैसी गैस है आपकी, ये आपकी अक्रिय गैस में शामिल की जाती है। और ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका ज्योग्राफी का भी है, और ये आपका टॉपिक केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, काफ़ी सब्जेक्ट में इसको शामिल किया जाता है। और ये इस प्रकार बनाया गया है आपका टॉपिक के सभी यानी कि सब्जेक्टों में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और आगे भी हम आपके सामने नई नई वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।